हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको हम लोग पूजा करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी ये धूप बत्ती है लुभान वाली, तो इसको हम लोग पूजा में जलाते हैं। वैसे पूजा में आप लुभान वाली ही धूप बत्ती को जलाइए। तो हम लोग पूजा में जब धूप बत्ती जलाते हैं तो उसको क्या होता है, पूरी नहीं जलती है। ये देखिए, ये लुभान वाली ही धूप बत्ती जलाइए पूजा में, ये अच्छी होती है। और आजकल तो कोरोना चल रहा है तो बहुत ज़रूरी है, इस ये वाली धूप बत्ती आप घर में लाइए और इसको जरूर जलाइए। हम लोग जलाते हैं धूप बत्ती तो ये आधी आधी जलती है। जैसे ये है धूप बत्ती, हम लोग ने जलाया है इसको, धूप बत्ती को इस तरीके से हम लोग करके जला देते हैं। ये ऐसे करा और हम लोग ने ये ऐसे करके इसको ऐसे रख दिया, तो ये क्या होता है, थोड़ी देर तो ये जलती है और जलने के बाद ये क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। फिर उसको दिए से माचिस से इसको जलाओ, फिर इसको जलाओ। तो ये ना करके मैं आपको एक इतनी बढ़िया चीज़ आज आपको बताऊंगी कि पूजा हम लोग जब करते हैं तो उसमें क्या करें, धूप बत्ती पूरी कैसे जले। और उस तो मैं बताऊंगी आपको कि धूप बत्ती कैसे पूरी जले, वो तरीका मैं आपको बताऊंगी। तो इसको क्या करें, और धूप बत्ती आप लीजिए तो लुभान वाली लीजिए, लुभान वाली यही मैं यूज करती हूँ। और आजकल कोरोना चल रहा है तो यही आप भी यूज करिए, इसका धुआं पूरे घर में जाना चाहिए। तो इसको इस तरीके से कर लेंगे हम, ऐसे इस तरीके से हमने कर लिया और नीचे से इसको ऐसे। उसके बाद ये माचिस की एक हम लकड़ी लेंगे, माचिस की लकड़ी से पीछे के तरफ से इसको अब हम इसके अंदर लकड़ी ऐसे करेंगे, इस तरीके से हम होल बनाएंगे, इसी के अंदर होल बनाएंगे इस तरीके से। और आपकी धूप बत्ती इतनी बढ़िया जलेगी कि बंद नहीं होगी, पूरी जल जाएगी पूरी। और आपके देखिए दो फायदे होंगे इसमें, आपको धूप बत्ती भी जला रही है और इसके अंदर आपका कपूर भी जल रहा है। इसके अंदर हम कपूर रखेंगे, ये देखिए इस तरीके से हमने धूप बत्ती में होल कर दिया और कपूर का एक टुकड़ा इसके अंदर हमको रखना है। ये देखिए कपूर कितना बड़ा रखना है, ज्यादा बड़ा नहीं रखना, इस तरीके से ये टुकड़ा मैंने कपूर कर लिया। अब इस तरीके से मैंने इसमें देखिए होल कर लिया, इसके अंदर आपको कपूर डाल देना है। ये देखिए इस तरीके से, ये बहुत अच्छा तरीका है। इस तरीके से अगर आपने फॉलो किया तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हाँ वाकई आपको ये अच्छा लगा आपको मेरा वीडियो। ये देखिए इस तरीके से मैं आप इसके मैंने कपूर रख दिया। अब आपके दो फायदे होंगे इसमें, क्या फ़ायदे होंगे, आपका कपूर भी जल रहा है और आपकी धूप बत्ती भी। अब आपको इसको मैं जला के दिखाती हूँ। इस तरीके से देखिए मैंने दिए में इसको रख दिया है, अब मैं इसको जलाने जा रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से देखा आपने, ये जल रहा है और ये बंद नहीं होगा और पूरा आपका धूप बत्ती पूरी आपकी जलेगी। तो ये आपको अच्छा लगा अगर तो आप प्लीज़ इसको आप शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि पूजा पाठ सभी लोग करते हैं। तो ये अपने अपने घर में इस फार्मूले को ज़रूर आजमाएं। और मेरा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को आप प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते।